देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं पापा बेटी अलीबाग बीच की तरफ। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अलीबाग ट्रिप का दूसरा दिन है, तो आज हम लोग अपने होटल से अलीबाग पार्किंग तक आए हैं। पार्किंग से जा रहे हैं अलीबाग बीच की तरफ। आपको मैं पार्किंग दिखा देता हूँ। अलीबाग बीच के एकदम पास में ही है पार्किंग, बहुत बड़ा पार्किंग है। यहाँ पे बसेस भी पार्क्ड हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आपको मैं पार्किंग का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिए। ये देखिए बहुत बड़ा पार्किंग है, इसमें कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि 1000 कार तो इजीली मतलब एकोमोडेट कर सकता है ये पार्किंग, एंड इट्स फ्री पार्किंग बेसिकली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अलीबाग बीच की तरफ। अलीबाग बीच की तरफ आपको पहुंच के ज्वाइन करते हैं। यहाँ देखिए आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। पर पर्सन 100 रुपये लेते हैं और बच्चों का 50। आप अगर 2 एडल्ट हैं देन बच्चों का फ्री, मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ यू बार्गेन। वो जो आप देख रहे हैं सामने एक फोर्ट जैसा, दैट इज़ अ फोर्ट ओनली, वो कुलाबा फोर्ट है। जब लो टाइड का सीज़न होता है तो पानी जो है बहुत पीछे चला जाता है, आप पैदल भी जा सकते हैं फोर्ट तक। अभी पानी यहाँ तक है तो आपको बोट से जाना पड़ेगा, वहाँ तक आप पैदल नहीं जा पाएंगे। अदरवाइज लो टाइड में आप पैदल भी जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे, अगर वहाँ पर जाने का हुआ तो वहाँ आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं कुलाबा फोर्ट, और कुलाबा फोर्ट पे अभी सिंस यहाँ पे पानी है तो पैदल नहीं जा सकते आप, तो हम लोग बोट से जाएंगे। और बोट का पर पर्सन चार्ज जो है 200 रुपीज़ है। 200 रुपीज़ में वो यहाँ से ले भी जाएंगे आपको और वहाँ से लौटा के भी लाएंगे, टू एंड फ्रो बोट मिला के एक पर्सन का 200 रुपये है। एंड दे एक्सेप्ट गूगल पे एंड ऑब्वियसली कैश ऑल्सो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोट के पास। ये जस्ट पानी में जिस बोट एकदम साइड तक नहीं आ सकता, तो हमको वहाँ तक जाना पड़ेगा। घुटने भर का पानी है। जैसा मैंने पहले बोला कि अगर पानी है, अगर लो टाइड है तो आप पोर्ट तक पैदल भी जा सकते हैं। हम लोग आई थिंक 2 ईयर्स बैक पैदल भी गए थे, बट सिंस अभी लो टाइड नहीं है तो हमको बोट तक जाना पड़ेगा। हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ टिकट लेने के लिए, फिर देन बोट में पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बिफोर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_Blogs007। तो हम लोग जैसा मैंने बोला, हम लोग बोट में बैठ गए हैं, तो अभी जाएंगे कुलाबा फोर्ट तक। ये मैंने हैट है यहाँ पे 100 रुपीज़ में लिया है, आप भी ले सकते हैं, शानदार हैट है। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं कुलाबा फोर्ट। ये बोट से उतरते हुए और भी लोग। ये कुलाबा फोर्ट जो है 1680 शताब्दी में बनना चालू हुआ था, शिवाजी महाराज ने स्टार्ट किया था इसका कंस्ट्रक्शन। और 1681 में संभाजी महाराज ने, जो शिवाजी के बेटे हैं, उन्होंने 1680 में शायद शिवाजी की डेथ हो गई थी, तो उनके बाद संभाजी महाराज ने इनको कम्प्लीट किया 1681 में। क्या कह रही, क्या कह रही है?
तो यहाँ पे एंट्री का टिकट है, वो आप अगर कैश में लेते हैं देन काउंटर से आप 25 रुपीज़ में ले सकते हैं पर पर्सन, एल्स आप आपके पास अगर ऑनलाइन फैसिलिटी है, आप यू वांट टू पे ऑनलाइन, देन यहाँ पे क्यूआर कोड लगा है, क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद एक लिंक आता है और लिंक पे आपको सारी डिटेल्स भरने पड़ते हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने चाइल्ड हैं, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ काइंड ऑफ जो नंबर है वो आपको डालना पड़ता है। अगर आप पैन कार्ड सेट करते हैं देन यू हैव टू एंटर पैन कार्ड नंबर, देन ऑटोमेटिकली टिकट जनरेट हो जाता है ऐसा क्यूआर कोड। सो अगर आप ऑनलाइन लेंगे देन पर पर्सन इज 20 रुपीज़। तो ये एंट्री गेट है, यहाँ से टिकट दिखा के सिक्योरिटी को आपको आना पड़ता है अंदर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है फोर्ट के बारे में। ये देखिए कुछ फोर्ट्स के पिक्चर्स। ऐसे पुराने फोर्ट में आके स्पेशली मुझे ऐसा फोर्ट के ज़माने में जब एक्चुअली में लोग यहाँ रहते थे तो उनको कैसा लगता रहेगा, मुझे ये फील करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये भगवान गणेश का मंदिर है, आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। देखिए कुलाबा फोर्ट के बाहर का सीन, तो ये कुलाबा फोर्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ASP_Vlogs007। अभी हम लोग जो बोट से जहाँ उतरे थे उसी बोट से जाएंगे वापस, बेसिकली किसी भी बोट से जा सकते हैं, तो अभी आपको बीच पे पहुँच के ज्वाइन करते हैं। ये देखिए हम आ गए हैं बीच पे। अभी जब हम यहाँ से चले थे तो पानी बहुत थोड़ा आगे तक था, आपने देखा था पिछले वाली क्लिप में, बट अभी पानी बहुत पीछे चला गया, तो पानी ऐसे यहाँ पे बढ़ता घटता रहता है। देखिए अभी हम लोग आए हैं किहिम बीच,
ये किंग बीच का छोटा सा पार्किंग है। अगर आप किंग बीच आने का प्लान कर रहे हैं वीकेंड पे, देन आपको थोड़ा अर्ली आना चाहिए क्योंकि पार्किंग का इशू हो सकता है। यहाँ पार्किंग उतना बड़ा नहीं है जितना अलीबाग का था, अलीबाग मेन बीच का था। समहाउ हम लोग को पार्किंग की जगह मिल गई, लेकिन पार्किंग छोटा है, तो आप अर्ली प्लान कीजिए, देन आपको मिल जाएगी पार्किंग। एल्स आपको कहीं रोड साइड में या फिर ऐसा कहीं तो देखना पड़ेगा पार्किंग के लिए। सो दैट्स माय पर्सनल सजेशन टू यू। तो अभी किम बीच पे आए हैं, आपको हम दिखाते हैं, आगे बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बीचेस पे आपको ये हॉर्स राइडिंग, टांगा, ये ATV, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। किम बीच जो है ये अगर आप ये एक्चुअली बहुत ये नुकीले पत्थर से यहाँ स्टोन्स हैं यहाँ पे, तो ये उतना कंफर्टेबल फ्लैट बीच नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं देन फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं स्टोन के शानदार हैं, बट नुकीले पत्थर हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी से यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो किम बीच स्पॉट फोटोशूट। किम बीच का 360 व्यू दिखाता हूँ आपको। हाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे अलीबाग सीरीज़ का लास्ट डे है और हम लोग अभी आए हैं थाल बीच पे। थाल बीच बहुत ही खूबसूरत बीच है और यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता है, तो आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप अलीबाग आने का प्लान करते हैं। तो थाल बीच जो है ये किहिम और वर्सोली के बीच में आता है। हम जब फर्स्ट डे यहाँ पर आए थे तो आने के साथ ही हम वर्सोली बीच कवर किए थे। अगले दिन हम अलीबाग गए, येस्टरडे मॉर्निंग में अलीबाग गए, वहाँ पे कोलाबा फोर्ट कवर किया और उसके बाद फिर हम शाम को किम बीच गए। अभी हम थाल बीच आए हैं, ये हमारा लास्ट आज का ये ट्रिप का लास्ट बीच है। आपको मैं बीच का सीनरीज दिखाता हूँ, देखिए कितना शानदार है, कितना खूबसूरत बीच है और ज़्यादा रश नहीं होता यहाँ पे। मे बी अभी मॉर्निंग है इसके लिए अभी ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, बट ये बीच पे वैसे भी ज़्यादा रश नहीं होता, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। स्पेशली आप जब अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो रोड पे भी कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है, नो ट्रैफिक, नो कंजेशन। आप थोड़ा डिले करेंगे तो रोड पे भी जाम लगना चालू हो जाता है। अभी हार्डली 15-20 लोग रहेंगे। ये देखिए आपको बीच का 360 की व्यू दिखाता हूँ।
बहुत ही खूबसूरत बीच, बहुत ही खूबसूरत बीच। आप बीच के सैंडीज का मजा लीजिए। बीच पे सुबह सुबह नंगे पांव चलने का जो मज़ा है ना, वो जो चल रहा है वही फील कर सकता है। वीडियो में आप वर्चुअली एंजॉय कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअल फील। एक्चुअल फील के लिए आपको बीच पे आना पड़ेगा। सुबह सुबह आइए और नंगे पांव बीच पे चलिए, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो फीलिंग आपको तब समझ में आएगी। तो ये आज का या हमारा ये जो अलीबाग सीरीज़ था ये ख़त्म हो रहा है आज। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ASP_vlog007। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।